मित्रों, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र संख्या 14/2015 दिनांक 4 मार्च 2015 की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं, जो प्रदेश में बैंकों द्वारा स्थापित एटीएम की लूट की घटनाओं की रोकथाम हेतु दिए गए विस्तृत दिशा निर्देश के संबंध में है। मित्रों, जैसा आप अवगत हैं कि जनपदों में बैंकों के स्थापित एटीएम मशीन में पैसा डालते समय अपराधियों द्वारा लूट सहित हत्या की घटनाएं की जा रही हैं, जिनकी रोकथाम के लिए समय समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा आदेश निर्देश निर्गत किए गए हैं। वर्तमान परिवेश में घटनाओं के बढ़ते हुए समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए बैंकों के स्थापित एटीएम की सुरक्षा तथा गश्त एवं पिकेट पर पर्याप्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में बैंकों द्वारा स्थापित एटीएम की लूट की घटनाओं को रोकथाम हेतु दिशा निर्देश दिए जाने के लिए आपसे इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराए जाने की प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार की घटित घटनाओं के रोकथाम हेतु पुलिस की अधिक सजगता एवं सक्रियता की आवश्यकता रहती है। बैंकों द्वारा स्थापित एटीएम की लूट और चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए समय समय पर परिपत्र एवं आदेश निर्देश के माध्यम से जनपद स्तर पर कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। इस महत्वपूर्ण विषय पर आपका पुनः ध्यान आकर्षित करते हुए बैंकों के स्थापित एटीएम में लूट एवं चोरी की घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हेतु निम्नोक्त कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है। बैंक एटीएम की सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर अस्थायी पिकेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बैंकों व एटीएम के आसपास पार्किंग स्टैंड, चाय पान की दुकानों एवं साइबर एम कफे जैसे संस्थानों पर अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों तथा संदिग्ध व्यक्तियों की समय समय पर आकस्मिक चेकिंग अवश्य की जाए। पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा बैंक की कार्य अवधि में बैंक के भीतर जाकर बैंक के शाखा प्रबंधक से भी आपसी समन्वय स्थापित कर स्थिति का आकलन किया जाना चाहिए। रात्रि गश्त योजना बनाते समय भी नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित बैंक की शाखाओं और उनके आसपास के एटीएम जैसे एकांत स्थानों पर स्थापित हो उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विगत वर्षों में यह देखने में आया है कि बैंक एटीएम की लूट की घटनाओं में संलिप्त पाए गए अपराधियों की गतिविधियों एवं क्रियाकलापों से सतर्क दृष्टि न रखे जाने से इस अपराध में बढ़ोतरी हुई है। अतः इन प्रकार के घटनाओं में संलिप्त अपराधियों के गतिविधियों क्रियाकलापों पर हमें सतर्क दृष्टि बनाए रखनी चाहिए। बैंकों के स्थापित एटीएम की सुरक्षा में लगाए गए निजी गार्डों, अंशकालिक सेवा नियोजित कर्मियों को नियुक्ति से पूर्व इनका चरित्र सत्यापन अवश्य करा लेना चाहिए तथा इनकी गतिविधियों पर भी निरंतर सतर्क दृष्टि रखी जानी चाहिए। उपरोक्त बताए गए मार्गदर्शन और सुझाव से आप अपने जनपद के भौगोलिक दृष्टिकोण के अनुसार ऐसी एक कार्य योजना पर्याप्त बना लें जिससे कि इस घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम अंकुश लगाया जा सके। आप पूर्णतः संवेदनशील होकर इस प्रकार की घटनाओं के रोकथाम हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित करें जिससे इस घटना की पुनरावृत्तियों पर रोक लगाई जा सके। धन्यवाद।